गंगा जी, रामदेव का गंगा जी का विद्या हो जाए और आदो जी तो मैं क्या तुरा कर रहा था। थाने में काम वाला बहुत खंदे की घर है भूली है तो जैसे वो बोले हे बेटा एक बार से शादी करनी पड़ी, ब्याह करनो पड़ी, रामदेव जी ने जो मारी पहली आज्ञा है, अगर आज मारी पहली प्रथम आज्ञा है नहीं मानी तो कलयुग में ऐसे कोई बेटो नहीं होगा जो आपने माँ बाप को कर्णों मान लेगा। रामदेव जी हाथ हाथ मारो कर्णों मान, 100 वर्ष रूप पलट और 25 वर्ष रा जवान बन गया। जो सिंह जी कांगड़ा खूब सुनाता रहा है, जो सिंह जी मन में हो जो हो जीप रिपेयरिंग में, बॉयलर में रिपेयरिंग में, पैजर में रिपेयरिंग में, मोटरसाइकिल रिपेयरिंग में, रेलगाड़ी का रिपेयरिंग, हवाई की रिपेयरिंग, जिम बूढ़े आदमी की रिपेयरिंग में टोए दिखे मोटे जेंट्स खड़े दिखे। दोस्त भी बोले आते हैं सर्विस कराई ना थोड़ी जीप है, मैंने मेरा ही जो कोई हुआ है ना मेरे बाप जी इतने में रहो आप ही नहीं बची बात आया कुछ तो कम कर लाओ हो ये भाई कर कर दो कर दो थारो क्यों बैठो बड़े रामदेव जी के कर तो ते ऊपर काबिल हो गए नहीं पड़न दे लागे छे के ना मारवा बोलो तो पुराना हाथ ते नया कटे मारे कोई मास के मार तो ते जाता रहो जे हमर को राम दा की देख तो सुन मैं मेरे विश्वास हो गया ते का दनी रूप चेंज कर सके मैं नितिन भाई सारा भी हाथ पर जरूर देना और विश्वास ले जो सी वापस आते रामदेव जी ब्यावी तैयारी होना की सुंदर सुंदर बाबू तू दीदारो सुंदर सुंदर बाबू तू दीदारो बिचारो का पंडारू चलो बिना एक आपको कोर्ट मांग चला
और समझदारी सास मुझे खामा माता हाथ दे के थे मारे माँ बराबर वो हाउ जी हकामत करो बूढ़ा पे ग्राम दियो नाम लो माचे माते दे जाओ अभी जाए कि ग्राम भूखने गोबर आगे सास मुझे खामा माता हाथ दे नीचे बैठा हूँ मारे हाउ जी नाम लो जाऊँ मारे दो की दो माचे माते बैठा हूँ तो हिंदी सरकार मेरे काम काज लागी तो बूढ़ा बन रहे गया आदो बंदा उठे फिर हमारा हाउ जी इतना छुप रहे हैं तो बोली इतना बोला कि कभी हमारे तो मेरी
உங்களுக்கு விடுதலை பார் சகோதர உங்களுக்கு ஜானமே படி உங்களுக்கு கட்டுற நாம தேல தேல ஐக்கரை ஏசோ தோடு கிரி மலி ஓ புகார் சகி ஓ கால் சகி கட்டுற கொங்கோ கரி ரத்னோ கே மாரி மாரி சோ சாதி ஆக்கே तो तीन दिन पहले चार आदमी घर में हाथ काल उठी कर भाई बस काट दिया और पानी बच रहा है मारी मां ये शोक ने रोने से छोड़ कर नहीं था क्यों इतना क्यों कह क्यों तो कहीं बात की थी राई का लेने के लिए पड़ जाओ आगे मारी का को गयो उमर कट छोड़ उमर कट गयो जो को के की फैक्ट्री में काम करा था ना छुट्टी पर तेरे पास आयो नहीं पर हमें थे मने बैठो रामदेव जी का विश्वास राग रत्नों के पक्को विश्वास है उठे गया हूँ तो जीव तो मिलता हूँ रामदेव जी देखो रत्नों मुझे बड़े लालची बड़े दिखे क्यों जी लालच का रखो लोग रामदेव जी के खैर की बात नहीं रहती सारी बाजी हो तो जाइए अपने पान रहते हैं एक मोर एक इनाम में करो कि जब वो पान खावे लाके ना बढ़ जाओ तो रूलो उठा के लाके पांच मोर असर साइड में इनाम दे जाएगा तो पांच मोर तो ले जा भाई अपने लिखी हो जो गई तो सुना है पांच मोर को रामदेव रत्न गुदी में काज कर रत्ना हम क्यों चुके कहीं आवाज तुम्हें जाओ मुकन से नहीं कर दे राम जी इधर देखा नहीं तुम्हें पास बोलो तो मत कमा अभी लिखे माखी पड़ गई सैद में और पंखुड़िया निपटा उगने रा सा सा भया भैना नचपुरी बना सही दिले कुन गुड़िया निपटाई उन्हें आश्वासन भया लालच पूरी बनाए तो जब तक ये पांच सौ देर उम्र आगे बढ़े आए गरड़ी ना आवाज का एक तेरुंडे की माँ करवाड़ी बोली वहाँ आज मैं पुंगल गिर जाऊँ रत्ने की गरड़ी के थे जाओ कमल गिर गए जाओ तुम दिए भी रह गया फिर एक्सीडेंट हो गया देखो रत्नों के तू मेरे में क्यों पड़े हैं इतनी बाप रत्ने की गरड़ी के थाने सर मारे चल गए छोटा छोटा लाकर याने पान कुल बोटा कर मैं मांग बस वाली टीकी दे सकी हूँ काजल काट सकी हूँ काजल हमार तो भाव ठीक चले हमारे छोड़ जा बाहर कहीं आदत नहीं हो चुकी और मैंने गले खाने पीने थे क्यों भी दुआ उस आदमी को दिया हो मैं भी दुआ होता हूँ रामदेव जी के वो भक्त रत्नों के थारी हैं बात सही है पर करो कहीं मैंने रामदेव जी पांच सोने की बोरा दे दी Thank you.
बोले आगे बढ़ी जाए खुद भी लगा दिया पैदल कर जाए रत्नों के कुछ लक्ष्य में सभी जाए गाड़ी दी के था कि हम बैठ गए तारे के साथ ताजी मां दीदी के बैठ रत्नों के बाद जी थे बूढ़ा आदमी पटला कुंभ के घर के जड़ाओ और थाने आदि के अरे बात का साठ भरे जड़ी रामदेव जी रत्न ने कहा या तो बैठ साठ ऊपर नहीं तो देखे गंगाराम घोटो अर्जुन जी सौ जो सिद्धि महाराज का नागा
अमर कोट सुम आवियो नाम गुरु पद्मेश अजमल घर अवतार सुन लिखा विधाता अमर कोट को आयो हो और अजमल जी के सपुत्र रामदेव जी है उन्हें चले बारो आर्य ले आयो है सब ने अजमल जी मां बड़ी प्रसन्न हुई खुश हुई बोले हे भगवान एक वो ही दिन हो कि गामरा बोल भारो मुंडो नहीं देखता हा मैंने बांध में कह बता था पुराने समय में किन्हीं काबर नहीं हो तो मुंडो को देखता नहीं सुबह छोटा मानता होगा होगा पर आजकल घर काबर आ गया तो बिल्कुल बोल नहीं मानी न कोई भूल मिली है मैं वास्ते बहुत नहीं था पूरी जगह जगह जितना इस दिन जो बच्चे दो ही अच्छे घरों दिनों में बताया नौकरी में तकलीफ हो जाना पसंद प्रसादी करो भोजन करो मैं गाँव में नहीं दे रहा जोशी जी महाराज रोना की दिमाग में जोशी जी भोजन में तो देव में जावे थे बोले बाप चाहो तो मैं खुद आपको ना लेकिन जी भाई मुझे दे इतनी बात मन में हो चुकी बाबे की दृष्टि पड़ी रामदेव जी मैं बाप चाहो करे मैं 5 किलो कर दिया जोशी जान का पचा पाव डाल कर दे दिया कड़ाई थोड़ी देर घूमता घूमता अजमाल जी आया वापस अजमाल जी आप पीछे जोशी जी महाराज रसोई करी बोले नहीं सर बोले क्यों जिस मेरे साइड वो आदमी अलवाई साहब के ना गए हलवाई साहब ने जान के हलवाई साहब तारे आगे लाडू जड़ी भी तब लिया खाओ क्यों बोलियो हलवाई के भाई मैं लाडू जड़ी भी खाऊं तुम्हारा टाब उड़ जाओ वो भाई के कि लाडू जड़ी भी खाऊं तो टाब उड़े भाई वो दोनों आते हैं खाओ ना रुक कर दिया तो भी आना चाहिए उनका जो बोल दो हलवाई के ठीक है की को करे टाब उड़ा मारा हलवाई के खाओ तो लाडू पीने में चेता तुला जड़े भी रफीस की तुला पहुंचाना घर में रोज रुपए वो खाओ तो नहीं नगरी की तो यो बोली ठीक है कुरान की बोली आज कुरान की तो पूरा कुरान है बहुत पसंद है ना एक किलो लाडू मोटे कर लियो और हाटी की एक किलो चार किलो जड़ी भी खाई तो मिला सात एक किलो रोस्टो कर बारे निकल के वो नगरी नगरी बोली कौन है पकड़ ही जाओ ये घरे जाओ नहीं घरे बच्चे नहीं थे अपने रुपये आ जाएगा क्या बात रहा गया तो लाडू जड़ी भी खाया नहीं लाडू जड़ी भी नाम लेते भाई के मत हाथ में वो तो शुरू हुई और कलवे साथ से घणो मना मना की दो ए तू लाडू खाली में मत का लाडू जड़े में खावे भी रहा तब बोले और हमें मारा का तो बोले वो के थाना का पर क्यों बोले हाथ के लाडू स्टॉक पे बोले नींद हो गया है कलवे साहब हां बात थोड़ी सही है पर मारे आगे तीन दिन आप के लिए पड़ी हुई इच्छा राबड़ी खायोड़ी ही ऊपर वे डालटे घीरा लाडू जड़े में खाया हमें पेट में की निरशक्ति मारे पेट में से कितनी मारे पेट में उसको धोई वो फूट तो मारो पेट फूट इसने भाई साहब मैं भरू मैं भरू जरे मारा काब धुड़ियो हलवाई देख रहे करो हचड़ी भर गई वही तो 302 आप आ तो भाई हलवाई डर तो कहते भाई थार आगे आता जो नहीं मारी दुकान में मत मार ये 3-4 किलो लाडू जड़ी की और हाल ही ले जा और अच्छा थोड़ी दुकान थी क्यों नहीं आगे जाने ना जाए तो बोले मारे थोड़ी कम बने मारे गए को खा जाए आज का इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि उसका पड़ोसी सुखी है और लाडू तेरे भी खाओ कह ना का तो मर ना कर ना रो ना भाई रे तेरे ना तू ही करो करो ना बांध का दिखा ना दे छोटी दुकान में आगे निकल ना वही तेरे ध्यान ना करो मेरे पास मेरे आगे किया जावे है ठाकुर ठाकुर बड़ा के छोटी दुकान आई है भाई को पास पर के भाई साहब दाद हुई हुई रुड़ी मारे तो ये की है कि उधर मार सब करे के अभी नहीं होगा आना रोड़ा मुझे वही कर दिया उसको ले रहा हूँ जितने तो आज दोस्त जी मैं आज आकर बैठ गया पंडित जी आज राजा पूछ रहे आप रसोई नहीं करी बोले एक रसोई कर ना ढंगे बोले कही रहे आप कहने चावल कितना दे दिया कि पाव भरा क्या किया कड़ाई करने की जाए बताया एक कितना कितना 5 किलो तो दोस्त जी के एक रसोई कर ना ढंगे पाव चावल दे दिया है कड़ी को ऑटोमेटिक बढ़िया बढ़िया 5 किलो होया है तो मैं बोचू अगर पेट में खाता तो डबल ट्रिपल चावल होते ही चाहिए मार तो हमें कोट की कोट नहीं कोटे मोरी पिया होगी अब उसको पिची हो जाए करें काबे में उड़ जाऊँ नारा काबे उड़ जाए निर्वास के बच्चों नहीं करेंगे बोले रामदेव जी की कृपा है जो सिंह कह रहे थे घाट मारे जगह से पानी सी पूरी जी होती था होगा क्या तो पूरे खाई बनाए क्यों नहीं चाहिए मरे अरे ओके मास्टर उड़ोगा
I'm going to go to the house.
આપી
ये भाई का रिकॉर्ड तो करने खा रहे हो कि वो पेट्रोल भरे रामदेव जी के कर तो देव पर काबिल का घर में नहीं पड़ने लगे छे के ना मारा बोले तो पुराना ते नया कटे मारे कोई मास के मार तो थे जाता रहो हमर को ना बना के देख उसकी मैं मेरे विश्वास हो गया था कहा नहीं है रूप चेंज कर सके मैं नितिन भाई सर भी हाथ तो जरूर देना और विश्वास कर उसकी वापस आते रामदेव जी ब्यावरी तैयारी होना की सुंदे सुंदरो बाबू तू दिखू दारो सुंदे सुंदरो बाबू तू दिखू दारो एक छिपि जारो का पर्दा दू मारू दिए दिखू दारो एक प्यार मारू दिए दिखू दारो Thank you.
Thank you.